ये 34 नंबर, एक काम को करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो बी को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक काम को करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना माना बी अकेले उस काम को करने में, उस काम को करने में एक्स दिन लेता है, तो तथा ए को काम को पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा जी। क्या कह रहा है कि ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो ये एक्स दिन ले रहा है तो ये एक्स माइनस 10 दिन लेगा। ठीक है, प्रश्न से। अच्छा, एक काम को ए एक्स माइनस 10 दिन में करता है तो एक दिन में काम कितना होगा, 1/(x-10)। और बी एक्स दिन में करता है तो एक दिन में काम कितना करेगा, 1/(x)। और कुल मिलाकर ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो टोटल काम करने में दोनों मिलकर 12 दिन लगाते हैं तो एक दिन में ये काम करेंगे 1/12 भाग। चलिए यहाँ एलसीएम लेते हैं, एक्स गुना में एक्स माइनस का 10, इसमें भाग करेंगे कट जाएगा, एक्स जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स माइनस 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, इक्वल टू 1/12। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, 2x-10/2 में x²-10x=1/12। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x²-10x = में ये 12 जगह गुना करेगा तो 24x-120। एक तरफ कर लेते हैं, x²-10x-24x+120 = में 0, यानी हो जाएगा x²-34x+120 = में 0। अब इसका गुणनखंड हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको ले लेते हैं, 120 है ना जी, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, इसको तोड़ते हैं यहाँ पर, x²-30x-4 -34 का गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर, प्लस में 120 = 0। एक्स कॉमन करते हैं, एक्स माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 4 कॉमन करते हैं, एक्स माइनस का 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स माइनस 30 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स माइनस 4 = 0। अलग अलग यहाँ से कर दें, चलिए अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स माइनस का 30 = 0 और एक्स माइनस का 4 = 0। तो एक्स का मान यहाँ से 30 और एक्स का मान 4। अच्छा, x = 4 लेने पर ए द्वारा कार्य को करने में लगा समय, लगा समय ऋणात्मक दिन में आएगा, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, यानी कि x = में हो जाएगा 30। तो अतः बी को कार्य पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा आपका, 30 दिन भी काम को पूरा करने में लगाएगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर।